हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सेल के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी के टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बता रही है एंड कंपनी के टेक्निकल से कंपनी के बारे में क्या पता चल रहा है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस कर तो सेल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनीज इन इंडिया एंड वन ऑफ द महारत्नस ऑफ द कंट्रीज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। मेनली ये कंपनी आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करती है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 27,612 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 2.19 की PE है। 24.3% है कंपनी की ROCE एंड 25.1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 41.7%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 15.6% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से आधी से भी कम कीमत पे आप लोगों को ये कंपनी अभी मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 9.68% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। कंपनी बुक वैल्यू से आप लोगों को काफ़ी सस्ते में मिल रही है। कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी बढ़िया है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। कंपनी की लास्ट 5 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 47.65% CAGR के आसपास है, जो कि 5 साल की कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया है। एंड ये कंपनी 19.13% की हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है। एंड अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी हैज़ कंटिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 40,266.39 करोड़। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड पिछले 3 साल में प्रमोटर्स की होल्डिंग 10% के आसपास कम हुई है। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 30,759 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 2479 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। एंड अगर देखा जाए तो पहले ये कंपनी लॉस मेकिंग थी, लेकिन अभी ये कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल बन चुकी है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी पोस्ट किया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया है इन FY 2022 कंपेयर टू FY 2021। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, मतलब ओवरऑल बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 328 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो रिड्यूस होकर नेगेटिव 387 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, प्रोमोटर्स की होल्डिंग मार्च क्वार्टर में अनचेंज्ड है। FIS ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIS ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस करी है। और अगर देखा जाए तो सरकार ने अपनी पूरा होल्डिंग बेच दिया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, राकेश झुंझुनवाला जी का होल्डिंग था टिल डिसंबर क्वार्टर, लेकिन मार्च क्वार्टर में राकेश झुंझुनवाला जी ने भी एग्जिट कर लिया है फ्रॉम दिस कंपनी। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बड़े प्लेयर जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं। और अगर 3 साल पहले की पब्लिक की होल्डिंग देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 6% के आसपास थी, जो कि इंक्रीज होकर 20% के आसपास 20% के आसपास हो चुकी है। मतलब बड़े प्लेयर जो है वो धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं फ्रॉम दिस कंपनी। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो देखो गाइस, मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा इस कंपनी को फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड, क्योंकि ये एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो कंपनी की जो शेयर प्राइस की ग्रोथ है वो दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगा एज ऑब्वियसली, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड पे करती है। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो देखो गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग रिटर्न इन्वेस्टर हो तो इस कंपनी पैसा मत लगाओ। बाकी अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो आप लोग इस कंपनी पैसा लगाना कंसिडर करके चल सकते हो। आप लोग के लिए एक ऑप्शन बन सकती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज, अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो। अदरवाइज अगर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न इन्वेस्टर हो तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, आप लोग गलती कर रहे हो अगर आप लोग रिटर्न इन्वेस्टर हो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाए हो तो। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बता रही है एंड टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या पता चल रहा है।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, अभी जहाँ पे आप लोगों को ये कंपनी मिल रही है, बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट है। आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे भी एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि कुछ दिन और वेट कर लो, कंपनी अभी एक डाउन ट्रेंड में। तो अगर बाई चांस ये कंपनी 67 रुपीज़ की जो सपोर्ट है यहाँ से स्लिप कर जाती है, तो हो सकता है आप लोग को ये कंपनी 55 रुपीज़ के आसपास भी मिल जाए। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, अगर बाई चांस 67 रुपीज़ की जो सपोर्ट है यहाँ से कंपनी रिवर्सल शो कर देती है, तो जहाँ पे आप लोग को अभी मिल रहा है इससे भी महंगे भाव पे आपको खरीदना पड़ सकता है। तो अगर आप लोग वेट भी कर रहे हो 55 रुपीज़ तक की फॉल के लिए, तो डाउन साइड को कैलकुलेट करने के बाद ही करना है। और अगर एकदम आप लोग स्ट्रेस फ्री एंट्री चाहते हो, तो आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे भी एंट्री प्लान कर सकते हो। ये इंटायरली आप लोगों के ऊपर है, अगर स्ट्रेस फ्री एंट्री चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री कर लो। बाकी अगर कुछ दिन और वेट करके एक बढ़िया सा एंट्री चाहते हो, थोड़ा सा रिस्क में पैसे को डाल के, तो आप लोग कुछ दिन और वेट कर सकते हो। तो गाइज ये तो हो गया, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट जोन। हो सकता है कंपनी 67 रुपीज़ के लेवल से भी रिवर्सल शो कर दे, और ये भी हो सकता है कि 55 रुपीज़ तक की फॉल शो करने के बाद कंपनी रिवर्सल शो करे। चाहे कंपनी कहीं से भी रिवर्सल शो कर रही है, लेकिन रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है फॉर द अपर टारगेट। अगर 55 रुपीज़ के सपोर्ट से कंपनी रिवर्सल शो कर रही है, तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 67 रुपीज़, सेकंड टारगेट होगा ऑलमोस्ट 81 रुपीज़ का। और वहीं पे अगर कंपनी 67 रुपीज़ के लेवल से रिवर्सल शो करती है, तो आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो आफ्टर रिवर्सल कंफर्मेशन फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 81 रुपीज़, सेकंड टारगेट होगा 99 रुपीज़ का। और बाकी सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं इस कंपनी से रिलेटेड। तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाह रहे हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।